राही को मंजिले जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से जब कैसे बना घोंसला, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो बहुत लंबे समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं, और जैसा हुआ है कोरोना का एक लंबा दौर, सभी ने अपने अपने परिवारों को और किसी न किसी करीब वाले व्यक्ति को जो है खोया है। तो आपकी तैयारी में जो गैप आ गया था, जो एक बीच में खाई जैसी बन गई थी, तो उसी को लेके पूरे करंट अफेयर्स का यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम स्पेसिफिक जो है करंट अफेयर्स जो है पूरा पूरा हम लेके आ रहे हैं, पूरे लगभग 2 साल का करंट अफेयर्स। क्योंकि जैसे जैसे करंट अफेयर्स पुराना होते जाएगा, वो आपके स्टैटिक पोर्शन में इंक्लूड होते जाएगा। तो करंट अफेयर्स लगभग 2 साल का पूरा हम लोग इन वीडियोस के माध्यम से कवर करेंगे। तो आज की जो वीडियो का पहला लेक्चर है, वो लेक्चर है हमारा यूएन के ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। इसमें हम मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशन, सार्क, एशियन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर एक वीडियो में बात करेंगे, जो अभी तक का करंट अफेयर्स में उनके द्वारा जो जो चीजें जो है दी गई है उनके ऊपर। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है, बोलना नहीं पड़ेगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले यूनाइटेड नेशन की। अब देखिए, यूनाइटेड नेशन की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखने वाली है, ये कब एस्टेब्लिश हुआ। एस्टेब्लिश होता है 24 अक्टूबर 1945 को। तो ध्यान रखिए, 24 अक्टूबर 1945 को ये एस्टेब्लिश होता है विद 193 मेंबर्स। इसमें 6 ऑफिशियल लैंग्वेज को चुना जाता है, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। अब यूएन के एम्बलम की हम जब बात करते हैं, तो बीच में एक वर्ल्ड का मैप था जैसा आपने देखा था, और किनारे में ओलिव की ऐसी पत्तियां थी। ध्यान होगा आपको इस टाइप का कुछ एक मैप था, मेरी ड्राइंग कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, तो इस तरीके का था। अब यूएन के फ्लैग की बात कर लेते हैं, तो एक व्हाइट सेंटर जो है लाइट है विद ब्लू बैकग्राउंड, तो ये यूएन का एम्बलम है, वो उसकी इमेज में आगे दिखा दूंगा आपको। अब सिंबोलिज्म क्या है, अब ओलिव की जो ब्रांचेज है वो पीस को सिंबलाइज करती है। ओलिव ब्रांच किसको सिंबलाइज करती है, पीस को, और वर्ल्ड मैप जो है सिंबलाइज करता है यूएन की अचीविंग, मतलब गोल की वो अचीव करेगा पूरे वर्ल्ड में सिक्योरिटी प्लस पीस। अब देखिए, सेक्रेटरी जनरल क्या काम करता है यहाँ पर, ये चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। इसका इनकम्बेंट जो है उस टाइम का हमने जब दिया था बान की मून, और एंटोनियो गुटेरेस जो है वो सक्सेसर। अब यहाँ पे देखिए हेडक्वार्टर क्या है, न्यूयॉर्क। अगर ये अपडेटेड नहीं है तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अभी सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो ये वीडियो में कमेंट करना है आपको, तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे बात करते हैं, हम आगे इस पे बात करते हैं कि यूएन की और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। अब यूएन की ऑर्गेनाइजेशन को जानने से पहले एक इंटरनेशनल ईयर करके एक कॉन्सेप्ट आता है, तो पहले ये बताइए कि आज का जो, यानी कि 2021 का जो ईयर है इंटरनेशनल ईयर, किसके लिए मनाया जा रहा है, वो भी स्पेसिफिक है, उसके बारे में बताइए। तो 2016 मनाया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सिस, 2017 मनाया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट, तो 2021 भी मनाया जा रहा है किसी के लिए, वो आगे बताऊंगा, मगर तब तक जिसने कमेंट करके बताया मतलब उसकी कलर एंड अफेयर्स में अच्छी होल्ड है। अब यूएन के बारे में कुछ फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन जो यूएन का है वो मेंटेन इंटरनेशनल सिक्योरिटी और पीस। दूसरा फंक्शन क्या है, प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो जिसको नहीं दिख रहा होगा एक बार देख लीजिए। और तीसरा क्या है, तीसरा है प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, तीसरा अपहोल्ड इंटरनेशनल लॉ और डिलीवर ह्यूमैनिटेरियन एड। तो मेन ऑर्गन्स की बात करते हैं जब, तो मेन ऑर्गन्स में यूएन के मेन ऑर्गन्स में आ जाते हैं जनरल असेंबली, फिर आ जाती है सिक्योरिटी काउंसिल, फिर आ जाती है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फिर आ जाती है ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिर आ जाती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और आ जाता है सेक्रेटेरियट। अब एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके सबके ऊपर एक ब्रीफ में बात करेंगे कि ये होते क्या है और ये काम क्या करते हैं, क्योंकि ये जान लेना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अब देखिए, जनरल असेंबली का जो काम है वो है पॉलिसी मेकिंग, और रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है ये यूएन का, ठीक है। अब इसके अलावा ये क्या काम करता है, ये हर साल मीट करेगा और सारे मेंबर स्टेट्स को जो है ये जब, मतलब इसमें क्या क्या आ गए जनरल असेंबली में, इसमें यूएन के जो है वो सारे मेंबर आ गए, ठीक है। आप बात करते हैं, आगे बात करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल की। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल की। सिक्योरिटी काउंसिल का काम हो गया मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आप देखिए यहाँ पे 15 मेंबर्स है, 5 परमानेंट है, P5 मेंबर जिनको हम बोल रहे थे, ध्यान होगा परमानेंट 5 मेंबर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूके है और यूएस है, और 10 हैं नॉन परमानेंट जो कि हर 2 साल में जो इलेक्टेड होते हैं। इनका काम क्या है टोटल, इनका ये जितने भी मेंबर्स यूएन के हैं, जैसा हमने यहाँ पे बताया था कि कितने मेंबर्स हैं, फाउंडिंग मेंबर 193 थे, करंट मेंबर्स कितने हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के डिसीजंस को जो है वो मानेंगे। अब देखिए, अब आगे बात करते हैं हम इकोनॉमिक काउंसिल की।
अब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे हैं 54 मेंबर्स। इनका काम क्या क्या है? ये कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे, पॉलिसी रिव्यू का काम करेंगे, पॉलिसी डायलॉग का काम करेंगे और रिकमेंड करेंगे इकोनॉमिक सोशल और एनवायरमेंटल इश्यूज पे। इन पे डिटेल में आगे बात करेंगे। इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि जितने भी डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन, SDG जो भी हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कितने हैं ये आप कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके बताइए सभी लोग। ट्रस्टीशिप काउंसिल की हम बात कर लेते हैं। ये कभी कभी मिलती है और इसका काम क्या था, जितनी भी टेरिटरीज में सेल्फ गवर्नमेंट नहीं है और इंडिपेंडेंस नहीं है उनके लिए स्पेसिफिकली ये काम करती थी। अब देखिए, अब ऐसा तो कोई मुझे नहीं लगता कि इंडिपेंडेंस नहीं होगी, बट ये स्पेसिफिकली काम किन के लिए करती थी, ये काम करती थी जिन टेरिटरीज में अभी तक सेल्फ गवर्नमेंट नहीं है। तो अभी जो है इसका रोल बहुत मिनिमल हो गया। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे आ जाते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जब भी बात की जाती है तो कुलभूषण जाधव केस सभी इंडियंस को याद होगा और याद आना भी चाहिए। तो ये क्या है, ये जुडिशियल ऑर्गन है किसका, यूनाइटेड नेशन का, ठीक है। तो ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेग नीदरलैंड में है। ये सेटल करता है डिस्प्यूट और एडवाइजरी ओपिनियन भी देता है। तो क्या ये बात आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के क्या डिसीजंस बाइंडिंग हैं और हैं तो कैसे, आगे बात करने वाले हैं, बट अभी कमेंट करके जो बताएगा मतलब करंट अफेयर्स में अच्छी होल्ड है। तो सेक्रेटेरिएट की बात कर लेते हैं, ये करेगा कैरी आउट डे टू डे एक्टिविटीज। अपने दो सेकंड के लिए जो है आपकी स्क्रीन पे ये फोटो देख रहा हूँ, तो सभी लोग नोट्स बना लीजिए, एक ऊपर से शुरू करिए, ओवरव्यू से देखिए। जो ओवरव्यू है तो वो ओवरव्यू में आप देखेंगे कि स्टेब्लिश कब हुआ और कैसे क्या हुआ। आगे देखेंगे आप, नीचे से शुरू करिए, इंटरनेशनल ईयर्स के बारे में देखिए, फिर देखिए फंक्शंस पे जाइए क्या क्या फंक्शंस हैं, फिर देखिए मेन ऑर्गेनाइजेशन, हमारे 6 मेन ऑर्गेनाइजेशन हो गई, और अल्टीमेटली उनके जो स्पेसिफिक ऑर्गन्स या वो भी थे वो आप लोगों ने देखे होंगे।